हे गाइस, विनय दिस साइड। आज मैं बात करने वाला हूँ दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का, जो आपका एग्जाम हुआ है 10 अक्टूबर को, जो तीनों शिफ्ट हुई हैं उसके हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे जीके में कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें आई। ठीक है, मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग का तो आपको पता लग ही गया होगा, अब हम बात करेंगे जीके के बारे में। तो देखते हैं, देखो बुक्स एंड ऑथर से भाई आपके क्वेश्चंस थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन थे, डांसेस से क्वेश्चंस थे, और आपका डेज से क्वेश्चन थे कि ये डे कौन सा होता है, और सेंसस से क्वेश्चन था। तो हम कुछ टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं पेपर में। ठीक है, देखो पहले तो पूछ रहा, पहला क्वेश्चन था आपका, मतलब ये सारे मैं मिक्स करके बता रहा हूँ, तो क्वेश्चन था आपका कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया कौन सी है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर में द्रास आंसर था। नेक्स्ट था अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान ऑफ दिल्ली कब बोला गया था, मतलब कब उसे सुल्तान ऑफ दिल्ली का टाइटल दे दिया गया था, कौन सा टाइम ऑफ स्पैन था वो, तो वो था 1296 1296 से 1316 के बीच में। ठीक है, यही आपका टाइमिंग था 1296 और 1316। नेक्स्ट आपका चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका स्टेट क्या है, तो वो थे आपके बसवराज बोमिनी। ठीक है, गोइटर डिजीज किस चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, तो ये तो सबको मालूम है आयोडीन की वजह से होती है। फिर था आपका सांची स्तूपा जो कि मध्य प्रदेश में है, वो किसने बिल्ड करा था, तो वो बिल्ड करा था आपका अशोका के द्वारा। ठीक है, क्लासिकल डांसर्स से क्वेश्चन थे कि हमारे इंडिया में कितने क्लासिकल डांसर्स हैं, मतलब ये आपको पता होना चाहिए, तो वो आपके 9 आंसर थे। नेक्स्ट था जो घूमर डांस है, घूमर वो कहाँ का है डांस, तो वो है राजस्थान का। देखो डांसेस से क्वेश्चन है आपके। ठीक है, नेक्स्ट था बाबरनामा, जो बुक है बाबरनामा वो किस मतलब कौन सी लैंग्वेज में लिखी हुई है, तो बाबरनामा किस लैंग्वेज में लिखी गई है, तो बाबरनामा आपकी लिखी हुई है तुर्की में। नेक्स्ट है तुगलकाबाद फोर्ट, तो भाई किसने बिल्ड करा था, तो ग्यासुद्दीन तुगलक ने करा था, पता होना चाहिए आपको। एमएस एक्सेल से 10 क्वेश्चंस थे, तो प्रैक्टिस करके जाना, सारे शिफ्ट में एमएस एक्सेल के क्वेश्चन आए थे। फिर एक फुल फॉर्म आ रही थी एसएमटीपी की, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल उसका आंसर था। नेक्स्ट था एक कंप्यूटर में आपका क्वेश्चन था भाई कि जैसे आपको कोई टेक्स्ट और होल टेक्स्ट आपको सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल ए कर सकते हो, तो बेसिक थे, मतलब जैसे आता वो कर लेगा। एक था आपका लवानी डांस का, मतलब कौन सी स्टेट का है, तो वो महाराष्ट्र। देखो डांस से कितने, 1 2 3 क्वेश्चन तो डांस से ही हो गए। गवर्नर ऑफ हरियाणा स्टेट पूछ रखा था, तो वो आपको पता होने चाहिए कि कौन है, और आपके एम एस एक्सेल से मैंने आपको बता दिया इतने सारे क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट है वो भी देख लेते हैं हम, जैसे विंग्स ऑफ फायर बुक किसने लिखी है, तो वो आप मुझे बता देना। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स फुटबॉल टीम में कितने होते हैं, बास्केटबॉल में कितने होते हैं, वो भी मुझे बता देना। ठीक है, सेंसस ऑफ 2011 से इस बार क्वेश्चन था, तो आप ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आ सकते हैं। तो गाइज ये एक छोटी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया कि क्या क्या क्वेश्चंस आ रखे थे पेपर में, तो आपको पता होने चाहिए। ऐसी हम डिटेल्ड एनालिसिस जब तक आपके एग्जाम चल रहा है वैसे मैं देता रहूंगा। बात करता हूँ जीके की, बात तो मैंने कर दी, बात करता हूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश में मेरे भाई सारा अपना पढ़ाए हुए आए, ये सारी वोकैब, तो आप वोकैब देख लेना, इडियम्स एंड फ्रेजेस और ये सब आया हुआ था। वोकैब में क्वेश्चन आ रखा था डिलीजेंट क्या होता है, एक्रू क्या होता है, तो डिलीजेंट इज हार्ड वर्किंग, आपको पता है, मैंने कई बार बता रखा है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे, तो आप अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करिए, और बहुत ही आसान पेपर आ रहा है, इतना कोई मुश्किल है नहीं, तो मैं ऐसी आपको डिटेल एनालिसिस चीज़ों का देता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।